ने सवाल उठाया, बड़ा वैलिड है, कि जो फोरम है जहां ये तमाम सबूत दिखाने चाहिए, पेश करने चाहिए, वहां क्यों नहीं पेश किए जाते? डॉक्टर साहब क्या वजह है ये? आप बड़ा अच्छा है कि आपने भी कौम के सामने रखा, लेकिन जहां इस केस का फैसला होना है, जहां अदालत बार बार ये कह रही है कि सबूत दिखाएं सबूत दिखाएं, तो ये वहां पर क्यों नहीं पेश किया? मैं आपको ये बताने लगी, ये जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ ये इलेक्शन कमीशन के अंदर मैंने पेश किया था और ये इलेक्शन कमीशन के अंदर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर नंबर वन पहले तो उनके वकील ही तशरीफ ना लेके आए और फिर एक वकील दूसरा वकील बदला, फिर वो डिले करते प्रोलॉन्ग के जहाँ छुट्टी होगी फलांग करके 4 महीने उन्होंने लटकाई रखा। जब इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमीशन के साथ मैंने 7 पेशियाँ उधर वहाँ भुगती और ये सारा एविडेंस वहाँ पेश किया, भाई ये सारा जो उनको दिया हुआ है और ये इनके पास है, दे हैव गॉट इट बिकॉज हमने इनको दे रखा है। अगर इनका ये ख्याल है कि मैं प्रॉपर फोरम पे नहीं गई, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ इलेक्शन कमीशन इज़ द प्रॉपर फोरम जहाँ मुझे जाना चाहिए। और निहाल हाशमी साहब, आई थिंक आई एम मेच्योर इनफ कि कोई मुझे जलापा वगैरह नहीं है, मैं तो ज़्यादतियाँ और गलतियाँ और झूठ के ऊपर मैं मुझे ज़रूर एहतजाज करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जीत गए तो आपका ख्याल है मैं जलापे के अंदर ये जाके कागज़ दिए या वो क्या कहते हैं उन्होंने पनामा लीक्स जो किए? अब एक सेकंड मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपकी बात में मैं इंटरप्ट नहीं करती, आप मुझे बात मुकम्मल करने दें। इसलिए ये प्रॉपर जगह पर पेश किया गया। हमें ये कहा गया जब मेरी आखिरी पेशी थी कि क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हम ये सारा एविडेंस उस वक्त तक रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सारा एविडेंस देखना है। इसलिए अगर ये आपका ख्याल है कि दिस एविडेंस हैज़ बीन प्रेजेंटेड ऑन नॉट ऑन द प्रॉपर फोरम, तो मैं आपकी ये गलतफहमी। चलिए वो क्लियर हो गया।